बाहुबली और उसकी सीक्वल ने बड़े बड़े इतिहास बनाए थे, दुनिया जानती है। इनफैक्ट इसी फिल्म से सिनेमा जगत में बहुत कुछ बदल गया था। तो नेटफ्लिक्स ने सोचा कि अगर बाहुबली की सीक्वल इतनी हिट हो सकती है तो बाहुबली की प्रीक्वल कितनी हिट होगी। उसके बाद नेटफ्लिक्स ने बाहुबली बिफोर द बिगिनिंग का अनाउंसमेंट किया था, मतलब बाहुबली के पहले पार्ट के भी पहले क्या हुआ था ये जानने में जनता इंटरेस्टेड होगी, ये सोच के बाहुबली की माँ शिवागामी देवी की कहानी दिखाने वाले थे। प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, डायरेक्टर थे देवकट्टा जी। 6 महीने तक काम चला, बड़ा सेट, बड़ा यूनिट, बड़े खर्चे, करीबन 150 करोड़ रुपए तक का खर्चा हुआ। उसके बाद भी जिस तरीके से प्लान्स किए गए थे उस हिसाब से ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा नहीं हुआ। उसके बाद मेकर्स को लगा कि इस प्रोजेक्ट को बीच में ही बंद करना सही रहेगा, क्योंकि बाहुबली एक ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, उसकी रेपुटेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, ये सोच के।